Students of 7th standard Jaffrey Academy of Modern Education Kargil, welcome to Computer Education Chapter Number 7 Part 3 Topic Advanced Formula and Functions in MS Excel Page Number 78 to start karenge dear students sorting data wahan se hame aaj padhna hai according data in ascending or descending order is called sorting तो ये समझ में आ गया आपको कि आपका जो डाटा है उसको या असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने को सॉर्टिंग कहते हैं। एम एस एक्सेल 2007 ऑफर टू टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, सॉर्टिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर और सॉर्टिंग इन डिफरेंट क्राइटेरिया। यहाँ पर आपको सॉर्टिंग करने के लिए क्या करने को कहता है, सबसे पहले यहाँ कहता है स्टेप वन में सेलेक्ट द सेल्स इन वर्कशीट, स्टेप सेकंड क्लिक डाटाबेस टेप, फिर इसके बाद क्लिक सॉर्ट ए टू जेड और सॉर्ट जेड टू ए, फिर इसके बाद दिस सॉर्ट डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर अल्फाबेटिकल, फिर इसके बाद दिस डाटा सॉर्ट इन, यहाँ पर जैसे दिखाया गया है इसने दिस सॉर्ट इन डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से अल्फाबेटिकली दिस सॉर्ट्स डाटा बेस्ड ऑन सेवरल क्राइटेरिया एट वंस। तो ये हो गया आपको किस तरह से आपको सॉल्व करना है, वो आपको बताया जा रहा है। अब आते हैं यहाँ पर भाई, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर करते जाते हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स फॉर सॉर्टिंग डाटा। स्टेप वन सेलेक्ट सेल्स इन ए वर्कशीट, स्टेप सेकंड क्लिक ऑन डाटा टैब ऑन द रिबन, देन स्टेप थ्री क्लिक ऑन सॉर्ट ए टू जेड टू सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर और जेड टू ए सॉर्ट to sort in descending order in the sort and filter group, sort filter group में जाना है आपको, sort and filter group, फिर इसके बाद वहाँ से sort A to Z करना है या Z to A करना है या ascending में करना है या descending में करना है आपको। There are following steps to steps for sorting data based on various criteria, मुख्तलिफ criteria में आपको क्या करना है, step वन में select करना है cell range, फिर इसके बाद step second click on data tab पर जाना है from the ribbon, ribbon में जाकर स्टेप थ्री क्लिक ऑन सॉर्ट फ्रॉम द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाकर वहाँ से सॉर्ट पे क्लिक करना है। स्टेप फोर पेज नंबर 79 पर स्पेसिफाई द कंडीशन ऑन विच डाटा इज टू बी सॉर्टेड इन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स, फॉर एग्जांपल सॉर्ट बाय टोटल, सॉर्ट ऑन वैल्यू, ऑर्डर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। स्टेप फिफ्थ क्लिक ऑन ओके बटन, तो आपको यहाँ पर जाना है, फिर उसके बाद कंडीशन के हिसाब से आपको वहाँ पर सॉर्ट डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपको फॉर एग्जांपल दिया हुआ है आपको सॉर्ट क्या करना है, सॉर्ट बाय टोटल पर करना है या वैल्यूज़ को करना है या लार्ज और स्मॉलेस्ट में करना है वहाँ पर। इसके बाद स्टेप फिफ्थ और आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। यू कैन सी दैट डाटा हैज़ बीन सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड कंडीशन, जो उस कंडीशन आपने दिया है उसी कंडीशन के मुताबिक आपको वहाँ पर डाटा जो है आपको यहाँ पर सॉर्ट हो गया होगा, जैसे यहाँ पर इसने दिखाया गया है। यहाँ पर पहले बोला है भाई सॉर्ट नेम, फिर वैल्यू है, फिर इसके बाद ए टू जेड है यहाँ पर, फिर इसके बाद क्लिक स्टेप फिफ्थ पर इसको ओके बटन आपको दबाना है, फिर इसके बाद आपका डाटा सॉर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद फिल्टरिंग डाटा, फिल्टरिंग इज ए प्रोसेस फॉर फाइंडिंग डाटा सेट इन ए सेल रेंज एट ए फास्ट स्पीड। A filtered range shows only those row that meet all the conditions specified for a column. There are following steps to filter data. Step 1, click on a cell range required to be filtered. Step 2, click on data tab. Step 3, click on filter in the sort and filter group. You can see small arrows on each column heading. Har ek column heading par aapko wahan par ek chota sa arrow aapko dikhai dega isme. क्योंकि इसमें आपको फ़िल्टर करना होता है कि आपको जो सेल रेंज है उस सेल रेंज को पकड़ कर एक डाटास को वहाँ फ़िल्टर करना है, जो डाटा आप चाहता है वहाँ पर फ़िल्टर होकर आ जाए वो आपको वहाँ पर दिखाई देंगे रोज़ में, जिस जिस रोज़ में वो कंडीशन होगा वो आपको वहाँ पर दिखाई देगा, उस कॉलम में आपको वहाँ पर एक हेडिंग एरो के साथ दिखाई देंगे, उसमें आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकता है क्या क्या है। फिर इसके बाद स्टेप फोर्थ क्लिक ऑन द एरो ऑन द रिक्वायर्ड कॉलम हेडिंग। स्टेप फिफ्थ ए लिस्ट अपीयर्स विथ ऑल द वैल्यूज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट।
यू कैन चूज द डिज़ायर्ड वैल्यू एंड क्लिक ऑन ओके बटन। आपको वहाँ पर तमाम कंडीशंस दिया होगा, उसमें आपको वहाँ पर लिस्ट दिया होगा, सिलेक्ट करना है आपको वहाँ पर कौन कौन सा वैल्यू आपको चाहिए, वहाँ से उसको चूज़ करेंगे आप अपने हिसाब से। फिर इसके बाद ओके बटन पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर जैसे दिखाया गया है। इसमें से स्टेप फोर आपको बोल रहा है क्लिक द एरो ऑन द कॉलम हेडिंग, जैसे यहाँ पर इसने कॉलम हेडिंग पर यहाँ पर दिखाया हुआ है एरो। फिर उसके बाद आपको नीचे आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है, उस लिस्ट के मुताबिक आपने चूज़ करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको रिकॉर्ड वैल्यू देने के बाद ओके बटन पर क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पर फिल्टर एड्रो अगले साइड में आपको दिखाया गया है। फिर इसके बाद कहते हैं यू कैन सी दैट द डाटा गेट्स फिल्टर्ड एंड ओनली दोज रो दैट स्पेसिफाई द गिवन कंडीशन आर डिस्प्लेड। अब उसमें जो जो आपने वहाँ पर रोज को स्पेसिफाई किया हुआ है वही आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। टू रिव्यू ऑल द रोज बैक क्लिक ऑन क्लियर इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप्स। तो आइए फिर इसके बाद कस्टम फिल्टर्स, उसमें आपको क्या कहते हैं, कस्टम फिल्टर इज़ ए प्रोसेस टू फिल्टर डाटा, फिल्टर करते हैं डाटा को ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन। इसमें स्पेसिफाइड कंडीशन रखते हैं हम, यहाँ पर ये होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, उस तरह से हम यहाँ पर अपने हिसाब से रखते हैं उसको, कस्टमाइज कस्टम फिल्टर कहते हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू अप्लाई कस्टम फिल्टर। स्टेप वन क्लिक ऑन डाटा टैब फिल्टर। स्टेप सेकंड क्लिक द रो एरो इन द कॉलम हेडिंग, कॉलम हेडिंग पर जो एरो है उस पर क्लिक करना है। स्टेप थ्री सेलेक्ट नंबर फिल्टर्स, नंबर फिल्टर्स फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट में से आपको नंबर को फिल्टर कर देना है। स्टेप फोर्थ क्लिक ऑन कस्टम फिल्टर्स फ्रॉम द सब मेन्यू, सब मेन्यू में जाकर वहाँ से कस्टम फिल्टर्स पर आपको क्लिक करना है। स्टेप फिफ्थ सेलेक्ट एन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्ड कंडीशन टू एंड इंटर ए कॉलम एंड ऑन द राइट इन द कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स है। अगर तो कस्टम फिल्टर डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें आपको नंबर्स को इंटर करना है, कंडीशन जो आपको अपने हिसाब से रखना है। स्टेप सिक्स टू एड अनदर कंडीशन एंड क्लिक ऑन, एंड इफ बोथ द कंडीशन अपीयर्स, बोथ द कंडीशंस अप्लाइड आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रू, और इफ एनी ऑफ द कंडीशन अप्लाइड इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रू। स्टेप सेकंड अप्लाई द सेकंड कंडीशन इन द सेम फॉर्मेट। स्टेप एट पेज नंबर 81। स्टेप एट क्लिक ऑन द ओके बटन। यू कैन सी द रो अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड कंडीशन इन ऑर्डर टू रिमूव फिल्टर। क्लिक ऑन फिल्टर फ्रॉम द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। फिल्टर ग्रुप में जाकर वहाँ से फिल्टर को क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आपको वहाँ पर दिखाई देंगे जो रो आपके कंडीशन के मुताबिक वहाँ पर उन्हीं रोज को आप देख सकते हैं, और बाकी जो आपने रिमूव किया है फिल्टर को तो उसको आपको कहाँ जाना है, फिल्टर में जाना है, वहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाकर फिल्टर पर क्लिक करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर बोला स्टेप वन जाना है आपको कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्लिक डाटा टैब पर फिल्टर। फिर इसके बाद सेकंड क्लिक ऑन एरो ऑन द कॉलम हेडिंग। स्टेप से थर्ड में आपको क्लिक नंबर फिल्टर पर। फिर इसके बाद स्टेप फोर्थ में यहाँ पर देखो क्लिक कस्टम फिल्टर। फिर इसके बाद आपको आ जाता है नेक्स्ट पेज पर, वहाँ पर आपको दिखाया गया है। स्टेप फिफ्थ चूज एन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट एंड सेंटर ए नंबर इन द राइट साइड बॉक्स। फिर इसके बाद स्टेप सिक्स क्लिक एंड और या एंड होगा या और होगा, यहाँ पर आपको कंडीशन देना है। जैसे स्टेप सिक्स पर हमने कहा टू एड अनदर कंडीशन क्लिक ऑन एंड इफ बोथ द कंडीशंस अप्लाइड आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रू, और इफ एनी ऑफ द कंडीशन अप्लाइड इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रू, ये आपने दिया, ये यहाँ पर स्टेप सिक्स है। फिर इसके बाद स्टेप सेवन पर स्पेसिफाई सेकंड कंडीशन, आपको दूसरा कंडीशन क्या है वो वहाँ पर आपको रख देना है। फिर इसके बाद लास्ट में आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। तो
तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट। पॉइंट्स टू रिव्यू में देखिए, सेल रेफरेंसिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ ए सेल एड्रेस इन ए फार्मूला व्हेन इट इज कॉपीड फ्रॉम वन सेल टू अनदर। सेकंड है, इन रिलेटिव रेफरेंस द फार्मूला इन द कॉपीड सेल चेंजेस एज पर द चेंज इन द सेल पॉइंटर्स पोजिशन। थर्ड है, जनरली ए फंक्शन शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एन इज इक्वल टू साइन बट ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर स्टार्टेड विद इन सैम्पल ब्रैकेट्स। फिर इसके बाद फोर्थ, मैक्स फंक्शन इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द लार्ज वैल्यू इन द रेंज ऑफ सेल एज एन आउटपुट। इसके बाद फिफ्थ, इफ फंक्शन इज ए कंडीशनल फंक्शन दैट डिस्प्लेज आइदर ट्रू और फॉल्स एज एन आउटपुट। सिक्स, फंक्शन कैन बी अप्लाइड ऑन ए सेल और सेल रेंज टू प्रोड्यूस क्विक आउटपुट। सेवन, सेंटेक्स इज द रूल दैट स्टार्ट हाउ थिंग्स शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड एरर। सेवन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिफर्स टू फॉर्मेट डाटा ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफाइड कंडीशंस। एट, सॉर्टिंग डाटा रिफर्स टू द आर्ग्यूमेंट्स अरेंजमेंट टू द अरेंजमेंट्स ऑफ डाटा इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको हम क्वेश्चन आंसर का आप लोगों को बहुत जल्दी वीडियो बनाकर दे देंगे। खुदा हाफिज़, गुड बाय।